बारिश कब होगी, कब होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी, माँ के पेट में क्या है, कल क्या होगा और कौन कहाँ मरेगा, कितनी बातें। कयामत कब आएगी, बारिश कब होगी, माँ के पेट में क्या है, कल क्या होगा, कौन कहाँ मरेगा, कितनी बातें, पांच। इनको कहते हैं उलूमे खमसा। क्या कहते हैं? उलूमे खमसा। इस हवाले से मुफस्सिरीन के बयान की झलक तफसीर सावी में है। हक यह है कि बेशक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ नहीं ले गए जब तक, यानी यहां तक के अल्लाह ने इन पांचों उलूम को भी आप में रख दिया, आपको बता दिया, लेकिन अल्लाह ने इनके छुपाने के लिए कहा। मुल्ला अहमद जीवन ने भी लिखा, इमाम अब्दुल वहाब शारावी या शोरानी, दोनों जहां कहा जाता है। अब इनके बारे में जरा पहले तारुफ करवा दूं। नाम है अब्दुल वहाब शोरानी या शोरावी, या जगह की वजह से ये नाम लगता है, जैसे मेरे साथ उकाड़वी लगता है, इनके साथ शोरानी या शोरावी, उस जगह का नाम। ये कौन है? अपने वतन में बैठे होते थे, अपने मदीना से सैकड़ों मील दूर रात के वक्त बैठे अपने कमरे में, बैठे बैठे मदीना पहुंच जाते थे। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागते हुए पूरी बुखारी शरीफ सुनाई है। और इनके बारे में देवबंदियों के बड़े आलिम अनवर शाह कश्मीरी लिखते हैं, बाहरुन ला साहिला लहू, ये इल्म का ऐसा समंदर जिसका किनारा नहीं। वो क्या फरमाते हैं? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल शय का इल्म दिया गया, हत्ता के रूह और इन पांच गैबों का भी इल्म दिया गया। उनकी किताब है कशफुल गुम्मा, उसमें उन्होंने ये बात लिखी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब एक बयान और सुन लें। हाफिजुल हदीस सैयदी अहमद मालिकी गौसु जमा सैयद शरीफ अब्दुल अजीज हसनी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी कि ये पांचों गैब जो अल्लाह ने आयत में बयान किए हैं, इनमें से कोई चीज हुजूर से छुपी हुई नहीं। क्यों? सुने, वो कहते हैं क्यों छुपी रहे, जबकि आपकी उम्मत के सातों कुतुब इनको जानते हैं। जिनको कुतुब का दर्जा मिलता है, जब वो जानते हैं तो नबी से कैसे छुपी रहेंगी। और ये जो कुतुब होते हैं, इनका दर्जा गौस के नीचे होता है, गौस के नीचे होता है। तो जब कुतुबों का ये हाल है, तो गौस का क्या हाल होगा? और फिर गौस से आगे दर्जा सहाबा का, सहाबा से ऊपर दर्जा नबियों का, और उन सब से ऊपर दर्जा मेरे नबी का। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों? अल्लामा इब्राहिम बेजूरी वो क्या फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से अभी नहीं गए थे कि उनको इन पांचों चीजों का इल्म भी अल्लाह ने दे दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात अल इब्रीज, आप अगर याद हो, आपको मैंने इनके बारे में आपको बताया था, ये हैं इमाम अब्दुल अजीज दुब्बाग। कपड़ा रंगते थे, क्या करते थे, मैंने वाकया सुनाया था, एक बादशाह ने बुलाया था मिस्त्रियों को, महल की दीवार बना रहे थे, नीचे से सीधी जाती थी, ऊपर जाकर टेढ़ी हो जाती थी। बादशाह बड़ा सख्त था, उसने कहा ये क्यों हो रहा है, दोबारा बनाओ। दोबारा बनाई, फिर टेढ़ी हो गई, उसने आखिरी मर्तबा कहा इसको सीधा करो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा।
उसने उनको टाइम दे दिया। ये दीवार फिर बहुत संभल संभल के बना रहे हैं, ऊपर जाके फिर टेढ़ी हो गई। इनको यकीन हो गया मिस्त्रियों को कि अब हमने बचना नहीं। दरिया के किनारे, नहर के किनारे वो महल बन रहा था बादशाह का। हजरत अब्दुल अजीज दुब्बाग वहां अपने कपड़े धोने के लिए, ये जो रंगते थे उनको धोने के लिए आए, तो ये बंदे सर जोड़कर बैठे हुए, बाबा जी अपना काम कर रहे थे। इन बंदों को देखा तो पूछा, क्यों ऐसे बैठे हुए हो? उनका, तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या पता हमारा, हम अपनी मौत के इंतजार में हैं। उनका, बात क्या है? उनका, तुम कपड़े रंगते हो ना, धोवो अपने कपड़े, जाओ अपना काम करो। और आप बताओ तो सही। और किसी ने कहा, जब पूछ रहे हैं तो बता दो, लड़ते क्यों हो? और जी उसका काम कपड़े रंगना। उसने कहा, जो मर्जी काम है बता दो। इन्होंने, किसी ने बताया, जी ये बादशाह का महल हम बना रहे हैं, दीवार बनाते हैं, नीचे से सीधी उठाते हैं, ऊपर टेढ़ी हो जाती है। दो मर्तबा ऐसा हो चुका है, बादशाह ने अब कहा टेढ़ी हुई तो मार देगा, अब ये टेढ़ी हो गई और अब हमने बचना नहीं। फरमाया, बस इतनी सी बात है? वो कहने लगे, बाबा तुझे क्या पता हमारी जान जा रही है, तू कह रहा है इतनी सी बात है? फरमाया, हाँ इतनी सी बात। उसने कहा, फिर? उन लोगों ने कहा, अगर इतनी सी बात है तो क्या मतलब? फरमाया, दीवार की तरफ देखो, हजरत के हाथ में कपड़ा था, आप नचोड़ते जा रहे हैं, दीवार सीधी होती जा रही है। वो हजरत अब्दुल अजीज दुब्बाग जो अपनी किताब उनके बारे में उसमें लिखते हैं कि उलमाए जाहिर मुहद्दिसीन वगैरह मसला उलूम खमसा में बाहम इख्तिलाफ रखते हैं, यानी आपस में इख्तिलाफ है। उलमा का एक गिरोह कहता है नबी पाक को इन पांचों बातों का इल्म था, कुछ कहते हैं इसमें हुजूर जानते नहीं थे। तो हजरत अब्दुल अजीज दुब्बाग से पूछा, आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, हुजूर से ये गैब छुपे नहीं रह सकते, छुपे क्योंकि आपकी उम्मत के औलिया में से कितने हैं जो तसर्रुफ करते हैं, तसर्रुफ का मतलब रूहानी कुव्वत से हालत को बदल देना। फरमाया, जो तसर्रुफ करने वाले हैं, जब तक वो इन पांच बातों को ना जाने तसर्रुफ नहीं कर सकते। इशारा अपनी तरफ था, मुझ जैसे को जानते हैं, नबी की शान तो बहुत बुलंद है। बात समझे आप? अब इससे आप अंदाजा कर लें। मैं 3-4 मिनट ले लूं या अगले जुम्मे पे रख दूं? पूछ रहा हूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह समझाते हैं बात को, बाकी आपने मुझसे पहले भी सुना होगा, मैं फिर सुना देता हूं। मौलाना रूम समझाते हैं, ये जो लोग हैं इनकार करने वाले, इनको जरा सोचना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजा, सॉक्स, जुराबें चमड़े की होती थी, पहनी, उतार के रखी, वजू फरमाया, नमाज पढ़ाकर बाहर निकले, मोजे की तरफ बढ़ रहे थे पकड़ने के लिए, ऊपर से एक उकाब, उकाब जानते हैं परिंदा, बड़ी चील समझ लें, चील की तरह बड़ा होता है फाल्कन, वो उड़ रहा था, अचानक वो नीचे आया। अभी हुजूर ने मोजा नहीं पकड़ा, उसने अपने पंजे में मोजा झपट लिया, मोजा, और ऊपर जाके उसने उल्टा किया, उस मोजे में से एक सांप निकला, सहाबा ने उसको मार दिया। उस उकाब ने वो मोजा लाकर हुजूर के कदमों में रख दिया। ये वाकया है। ये क्या है? मौलाना रूम मसनवी में फरमाते हैं, उस उकाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने पूछा, मार दर मौजा बबीनम दर हवा नीस्त अजमन अक्से तुस्ते मुस्तफा। ए उकाब, तू ऊपर
ऊपर उड़ते हुए परवाज करते हुए मोजे के अंदर छुपा हुआ सांप तूने कैसे देख लिया। हुजूर ने उकाब से फरमाया तू ऊपर उड़ रहा था, उड़ते हुए मोजे के अंदर छुपा हुआ सांप तुझे कैसे नजर आया। उस उकाब का जवाब सुनो, उकाब ने कहा ये मेरा कमाल नहीं है, ये आपकी बरकत है। ये मेरा कमाल नहीं, ये आपकी बरकत, आपके जिस्म से नूर निकल रहा है, वो ऊपर जा रहा है, मेरा गुजर उस नूर में से हुआ, मुझे हर शय नजर आने लग गई, मुझे हर शय आपके नूर में से जो ऊपर जा रहा है उसमें से गुजर हुआ, और जब आपके नूर से गुजर हो रहा है मुझे इतना नजर आ गया। उस उकाब ने एक सवाल कर दिया, मुझे तो नजर आ गया, खुद आपको क्यों नहीं नजर आया, आप तो बढ़ रहे थे पकड़ने के लिए, आपके नूर से मैंने देख लिया, खुद आपने क्यों नहीं देखा। उसने मेहरबानी की, सवाल कर लिया, वरना आज के लोगों का जो हाल है। हुजूर ने जो जवाब दिया, मौलाना रूम फरमाते हैं, गरचे हर गैबे खुदा मारा नमूद दिल दरा लहजा बहक मशगूल बूद। मैं नमाज पढ़ के निकला था, मैं अल्लाह की जात में गुम था, अल्लाह की जात में मेरा ध्यान उधर था, इधर मेरी तवज्जो नहीं, ध्यान सारा उधर था, इधर तवज्जो नहीं थी, इसलिए पता चला ध्यान था उधर इसलिए, वरना हुजूर से कुछ छुपा हुआ ऊंची नहीं। उनके नूर में दूसरे देख रहे हैं, उनके नूर में दूसरे देख रहे हैं, ये बयान अभी जारी है इंशाल्लाह। अल्लाह गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं इंशाल्लाह। ये बयान अभी जारी है, आप सुनेंगे। आया है मैंने इस मौजू